हाई एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। सो आज की वीडियो एक फुल ब्लून ट्यूटोरियल वीडियो है जीरो द काइट एप्लीकेशन के ऊपर। इस वीडियो में हम बेसिक्स देखेंगे कि जीरो द काइट एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने अभी हाल ही में अपना जीरोधा में अकाउंट ओपन कराया है या फिर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी विद जीरोधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से इजीली अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम अपना काइट एप्लीकेशन ओपन करेंगे लॉगिन करने के बाद तो आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस दिखेगा। अब आप नीचे देखेंगे तो आपको कुछ टैब्स नज़र आएंगे जैसे वॉचलिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, टूल्स एंड आपकी यूज़र आईडी। हम सब इन टैब्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं वॉचलिस्ट पे। वॉचलिस्ट पे जैसे आप देख सकते हैं ऊपर आपको वॉचलिस्ट दिखेगी, वॉचलिस्ट 1, वॉचलिस्ट 2, ऐसे ही टोटल आपको 7 वॉचलिस्ट दिखेंगी। अब इन वॉचलिस्ट के अंदर आप 50 स्टॉक्स, एक वॉचलिस्ट के अंदर 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली टैग करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऐड कर रखे हैं। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल के लिए वॉच लिस्ट नंबर 4 पे, जो कि एक एम्प्टी वॉच लिस्ट है। अब यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल कोई भी शेयर ऐड करना है जो मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, जैसे कि HDFC बैंक, तो मैं HDFC बैंक टाइप करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक BSE एंड सेकेंड NSE। तो हम NSE वाला ऑप्शन के जो आगे प्लस आइकन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम NSE वाला ऐड करेंगे क्योंकि NSE पे ज़्यादा वोलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी होती है। तो ये ऐड हो चुका है। अब जैसे मुझे कोई दूसरा ऐड करना है तो मैं यहाँ पे जैसे आइडिया मुझे ऐड करना है तो मैं आइडिया डालूँगा और सेम दो ऑप्शन दिखेंगे तो हम NSE वाला ऐड कर देते हैं। ये हो गया स्टॉक्स ऐड कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी वॉच लिस्ट का रीनेम करना चाहते हैं या फिर अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप वॉच लिस्ट 4 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे होल्ड कर, थोड़ा होल्ड करके रखेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी मनपसंद का, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल बैंक सेक्टर लिख देता हूँ, तो ऐसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट 1 पे आप अपना IT सेक्टर रख सकते हैं या फिर जो भी आपको प्रेफरेबल हो। तो चलते हैं अब सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऑर्डर्स का ऑप्शन। तो ऑर्डर्स के ऑप्शन में आ गया हूं और आप ऊपर देखेंगे आपको 3 पैनल नज़र आएंगे, एक ओपन, एग्जीक्यूटेड एंड GTT। ओपन ऑर्डर्स वो होता है यहाँ पे आपके वो वाले ऑर्डर शो करेंगे जो कि आपने बाय के लिए लगा रखे हैं या फिर जो आपने ऑर्डर सेल के लिए प्लेस कर रखे हैं। एंड एग्जीक्यूटेड में वो वाले ऑर्डर्स आपके शो होंगे जो आपके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जैसे आपने वही बाय का ऑर्डर लगाया और जब वो बाय हो जाएगा तो वो यहाँ पे दिखेगा। थर्ड ऑप्शन है GTT का, गुड टिल्ट ट्रिगर। हम इस ऑप्शन के बारे में भी बात नहीं करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे नीचे, जो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पे मैं आ चुका हूँ और आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऊपर दो पैनल दिख रहे होंगे, एक होल्डिंग्स एंड दूसरा पोजीशंस। तो पहले होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। होल्डिंग्स पे वो वाले आपके शेयर्स आते हैं जो आपने बाय करे होते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे आपने आज कोई शेयर बाय किया है और आपने उसको 3 डेज, 4 डेज या फिर आपने 1 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो वाले शेयर्स आपके यहाँ पे दिखेंगे। एंड पोजीशंस में आपके वो वाले शेयर्स दिखेंगे जो आपने इंट्राडे के लिए बाय करे हैं, या फिर अगर आप आज एक शेयर बाय करते हैं और आपका प्लान है उसको आगे 1 मंथ के लिए होल्ड करके रखना, तो जिस दिन आप बाय करेंगे उस दिन आपके जो शेयर हैं वो पोजीशंस में दिखेंगे। एंड नेक्स्ट डे जैसा आपने होल्ड करने का प्लान है, नेक्स्ट डे आपके वो शेयर्स पोजीशन से होल्डिंग्स में चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो का। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, जो है टूल्स पे। इस टूल्स का जो ऑप्शन है हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक अलग टॉपिक है, हम इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब चलते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पे, जो है आपकी यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। हम चलते हैं पहले फंड्स में। तो फंड्स पे हम जाने के बाद आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक ऐड फंड्स एंड एक विड्रॉ। अगर आपको अपने काइट एप्लीकेशन में फंड्स ऐड करने हैं तो हम ऐड फंड्स के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपना प्रेफरेबल अमाउंट डाल के अपना नीचे बैंक देख सकते हैं और कोई भी आप मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग और अदर्स के ऑप्शन। तो ऐसे आप अपने फंड्स ऐड कर सकते हैं।
और विड्रॉ करने के लिए आप विड्रॉ सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे अपना अमाउंट डाल के जो भी आपको अमाउंट विड्रॉ करना है अपने फंड से अपने टू द बैंक अकाउंट, वो आप यहाँ पे डाल के प्रोसीड पे आगे एरो जो बटन है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जो आपका जो फंड्स है वो आप विड्रॉ सिर्फ उसी अकाउंट में कर सकते हैं जो अकाउंट आपने ओपनिंग के टाइम पे आपने सबमिट करा था। अब बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी जो कि आप प्रोफाइल सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन पे जो है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आप अपने काइट एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन थीम है, एक डिफ़ॉल्ट थीम है और दूसरा ऑप्शन एक डार्क थीम है। डार्क थीम में आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है जो है ब्लैक मोड, और अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो आपको थोड़ा डल डार्क मोड मिल जाता है। बेसिकली ब्लैक मोड में एक पूरा ब्लैक थीम मिल जाती है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अब आप नीचे आएंगे तो आपको एक चार्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, चार्ट आईक्यू एंड ट्रेडिंग। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे सेलेक्ट करके रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट एनालिसिस थोड़ा ईजी हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट ऑप्शन पे जो है कंसोल। कंसोल पे आप अपने पोर्टफोलियो देख सकते हैं, अपनी ट्रेड बुक देख सकते हैं, अपना पीएनएल जो प्रॉफिट एंड लॉस, नया कोई आईपीओ आता है तो वो भी आप कंसोल से देख सकते हैं, और गिफ्ट स्टॉक्स भी एक ऑप्शन है जो आप कंसोल से एक्सेस कर सकते हैं। गिफ्ट स्टॉक एक ज़ीरोधा की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को कोई स्टॉक गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आप वो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप शेयर्स बाय कर सकते हैं एंड कैसे सेल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।